प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनके मैडम क्राइस्टचर्च कॉन्वेंट स्कूल गडरवारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा सातवीं विषय हिंदी पाठ 14 गोपी कहानी जिसकी लेखिका सावित्री परमार है। इस पाठ का मैं आपको सारांश समझाने जा रही हूँ, आप ध्यान से समझिए, पाठ निकाल लीजिए। गोपी, देखिए, गोपी एक लड़के का नाम है जो अपनी पढ़ाई करता है। एक गरीब घर का लड़का रहता है और शिक्षिका का नाम शिल्पा है। वह लंबी यात्रा पर कहीं बाहर गई हुई थी। अपने घर की चाबी अपने पड़ोसन कांता को दे गई थी। जब वो लंबी यात्रा से घर आती है तो उनकी पड़ोसन उनको चाबी थमाते हुए और डाक जो उसके नाम से आए थे वह भी उनको देते हैं। शिल्पा चाबी और डाक लेकर के घर आती है। दूसरे दिन की बात है, वो धूप में चेयर डाल लेती है, कुर्सी रख लेती है और अपने डाकों को खोलती है। उसमें एक गुलाबी रंग का लिफाफा था। उन्होंने डाक को देखते हुए उनकी नजर गुलाबी रंग के लिफाफे पर जाती है। उन्होंने लिफाफा खोला, वह लिफाफा किसका था? वह लिफाफा था उनकी छात्र उनके शिष्य गोपी का था। तो देखिए, लिफाफे को खोलती है, उसमें एक लाइन वाले पेज में क्या लिखा रहता है? पूजनी दीदी जी, शिक्षिका को दीदी जी कहते हैं, परम पूजनी दीदी जी प्रणाम। मैं मेरा पत्र पढ़ते ही आपको आपके गोपी की याद आ जाएगी। वही गोपी जिसको आपने सहारा दिया, वही गोपी जो एक गरीब घर का था, आपने अपना ममत्व दिया, माँ के समान प्रेम दिया जिससे वह गोपी आगे बढ़ सका। यदि आप नहीं होती तो मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। आपके ही कारण मैंने अपने छोटे भाई को पढ़ाया और उसे पुर्जे की वर्कशॉप में एक नौकरी मिल गई है और वह करने लगा है। मेरी माँ तो पहले से ही जर्जर थी। मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया था, ये तो आपको मालूम ही है। मेरे छोटे भाई का भी विवाह हो गया। अब मैं विवाह करने जा रहा हूँ और आपके गोपी का विवाह है। आप इस खुशी के मौके पर आप अवश्य आएंगे जिससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आपका गोपी। जैसे ही उन्होंने लिफाफा खोला और गोपी का पत्र पढ़ा तो उनके हाथ में वह उन पत्र का पेज कांपने लगा। वे कुछ समय के लिए स्तब्ध सी रह गई और फिर वो अपने पुराने समय में चली गई जिस समय वो शिक्षिका थी। तो देखिए, शिल्पा एक शिक्षिका थी। वो 20 साल से कक्षा 12वीं की क्लास शिक्षिका थी, यानी क्लास टीचर जिसको बोलते हैं, उन्हीं के अंडर में वो क्लास रहती थी। वो समय पर स्कूल जाती थी और प्रार्थना के बाद वो अपनी डायरी और पेन लेकर के क्लास में पहुंच जाया करती थी। क्लास के खिड़की और दरवाजे वो बंद करवा देती थी जिससे उनकी क्लास में कोई समस्या ना आए और वो अपने मन से पढ़ाई करवाने लगती थी। उन्हें और बातों से कोई मतलब नहीं रहता था। वो क्लास में बच्चों की अटेंडेंस यानी हाजिरी लेती थी और तुरंत ही पढ़ाई करवाने लगती थी। अब देखिए, यहाँ से कहानी शुरू होती है। गोपी नाम का एक छात्र था, वह एक गरीब घर का लड़का था। उसके पापा 6 साल से पिताजी 6 साल से क्षय रोग से पीड़ित थे। उसकी माँ अकेली थी जो सड़क पर गिट्टी फोड़ती थी और अपने 2 बेटे और 1 बेटी का भरण पोषण करती थी और उनके पिताजी की दवाइयों के लिए पैसे भी करती थी। अब अकेली औरत इतना काम कैसे कर सकती है और घर परिवार कैसे चला सकती है? गोपी उनका बड़ा बेटा था। गोपी ने भी अपने माँ के काम में कुछ सहायता की। वह बड़े बड़े आफिसरों के घर में काम करने लगा।
एक ऑफिसर के घर में काम करता था, वह उनके गार्डन में पानी देता था और 10 जगह वह दूध के पैकेट देने जाया करता था, जिससे कुछ पैसे उसको प्राप्त हो जाते थे और क्या है, अपने माँ के लिए सहायता कर देता था। अब एक बार की बात, वो हर दिन 1 बजे तक स्कूल पहुंचता था। उसकी स्कूल की ड्रेस थी खाकी पैंट और सफेद शर्ट। वह शर्ट वह ऐसे मैल में जकड़ी रहती थी कि वह पीली सी दिखाई देती थी। सभी बच्चे अच्छे साफ सफाई से जाते थे, लेकिन गोपी की शर्ट मैल से भरी रहती थी और जो वो कभी प्रेस भी नहीं करता था और वह पैरों में चमड़े की चप्पल पहनकर जाया करता था। शिल्पा उसको देख करके ऊब जाती थी, उसको देख करके खींच जाती थी। उसे ऐसा लगता था कि मैं इसको हर दिन डांटती हूँ कि साफ सफाई से आया करो और उसके नाखूनों में भी गंदगी रहती थी, पर उसे इतना समय मिलता ही नहीं था कि वो अपने कपड़ों में प्रेस कर सके और कपड़े अच्छे से धो सके, क्योंकि उसके घर की परिस्थिति ही खराब थी। वह हर दिन लेट आता था। अब हर दिन उसका कहना रहता था शिल्पा का, उसको डांटती थी और फिर भी वह नहीं मानता था। एक बार की बात है कि गोभी 8 दिन तक स्कूल नहीं आया, तो शिल्पा को कुछ मन में संशय सा हुआ कि ऐसा ना हो कि यह बीमार पड़ गया। जब वह लेट आता था तो कभी कभी शिल्पा मन से सोचती कि यदि मैं इसकी अटेंडेंस नहीं लूंगी तो इसको बोर्ड की परीक्षा है 12वीं की, तो इसको बैठने भी नहीं मिलेगा परीक्षा में। जिस कारण से उसने क्या किया कि किसी के साथ अन्याय भी ना हो, वह क्लास में जाती थी, पहले पीरियड कर लेती थी, उसके बाद 5-10 मिनट का समय बचता था उस समय अटेंडेंस लिया करती थी। लेकिन जब भी वह स्कूल नहीं पहुंचता था तो कई बार उससे पूछा भी जाता था, पर वह चुपचाप नीचा सिर करके क्लास में बैठ जाता था। एक बार की बात है, जब उसे 8 दिन हो गए वह स्कूल नहीं आया, तो शिल्पा को मन में ऐसा लगा कि ऐसा ना हो ये बीमार पड़ गया हो। लेकिन वह 8 दिन के बाद जब स्कूल आया तो वह क्लास में सबसे पीछे खिड़की के पास पीछे वाले बेंच में बैठता था। जैसे ही शिल्पा ने क्लास अपनी कक्षा में पढ़ाई शुरू की, उनकी नजर शिल्पा की नजर पीछे की बेंच पर गई और देखा कि गोपी उस पर बैठा है। वह गोपी से कुछ नहीं बोली। शिल्पा के पीरियड के बाद ही पुस्तकालय में बच्चों का पीरियड रहता था। सभी बच्चे चले गए, शिल्पा ने गोपी को रोक लिया। गोपी अपने सिर पर एक खिलाड़ियों जैसी कैप लगाए हुए था और उस दिन वह ड्रेस पर नहीं आया था। शिल्पा ने अकेले में जाकर के उसे एक चपत भी लगाई गाल पर और कहा कि वैसे ही प्रतिदिन नहीं आता है और आज हीरो बनकर आया है, खिलाड़ियों जैसी कैप लगाए हुए है। वह कुछ नहीं बोला और उन्होंने कहा बोलता भी नहीं है, क्यों नहीं आते तुम? तो उसने फिर बताया, उसके आंखों से आंसू आने लगे और जैसे ही उन्होंने एक दूसरा तमाचा मारा तो उसकी कैप नीचे गिर गई। उसका सिर देखा तो सिर पर बाल भी नहीं थे, सिर में उसने क्या बाल पूरे कटा लिए थे। उसको देख करके शिल्पा के मन में थोड़ी ठेस पहुंची और उस लड़के ने सब कुछ बताया। बोले, दीदी जी, मेरे पिताजी का निधन हो गया है जिस कारण से मैं स्कूल नहीं आया। मेरे पिताजी 6 वर्षों से बीमार थे, उन्हें 6 रोग था। मेरी माँ सड़क पर गिट्टी कूड़ा करती थी, अकेली वह, हम 2 भाई और 1 बहन और माँ और पिताजी सभी का खर्चा कैसे चलाती, इसलिए मैं एक बाबूजी के यहाँ गार्डन में पानी देता था और 10 जगह दूध के पैकेट देने जाता था, उससे कुछ पैसे प्राप्त हो जाते। अब मेरी माँ एक समय भोजन बनाती थी, दूसरे समय का भोजन भी हम लोगों के लिए मुश्किल था, हम उनको भूखा ही रहना पड़ता। एक साबुन लाके रख दिया करती थी कि इसे महीने भर चलाना है, फिर तेल डालने की तो बात ही अलग है, हम कहाँ से तेल लाते, हम कहाँ से साबुन लाते, हम कहाँ से अच्छे कपड़े पहन कर आते। उसने सब बता दिया। शिल्पा के मन पर पहाड़ सा टूट गया और वह अपने आप को स्वयं अपराधी सी घोषित करने लगी। उसने कहा और उस लड़के ने कहा, दीदी जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने आपको बहुत परेशान किया है, मगर मेरा नाम नहीं काटिएगा,
मेरी साल बर्बाद हो जाएगी। शिल्पा अपने ही मन में बहुत बेहाल हो रही थी कि मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया। और वो उसकी आंखों में से भी आंसू आने लगे। उसने बॉबी को बिठाला। दूसरे दिन जब शिल्पा अपने घर से आई, जैसे ही क्लास में आती है प्रार्थना के बाद बच्चों की हाजिरी लेती है और उसने सौखा नोट निकाला और बेंच पर रख दिया और गोपी की पूरी कहानी सभी छात्रों को बताई। छात्रों ने भी अपने जेब खर्च में से जितने पैसे रखे थे सभी ने गोपी के लिए बेंच पर रख दिए। 3 दिन बाद उनके पिताजी की रसोई होने वाली थी। उसी दिन स्कूल में भी कुछ समारोह था जिस कारण से सभी बच्चे उस समय गोपी के यहाँ गए और उसका सामान हाथों हाथ ले आए। रसोई का सामान हाथों हाथ ले आए। गोपी के पिताजी की रसोई सभी ने मिलकर के करवाई। एक लड़के ने तो जिसके घर में घड़ी की दुकान थी, एक घड़ी उसको गिफ्ट दी क्योंकि उसने पिताजी की दवाइयों के लिए, पिताजी का जब निधन हुआ था तो घर में एक टूटी फूटी घड़ी थी उसको बेचकर शक्कर पत्ती मेहमानों के लिए लाकर रखी थी। जब उसने अपनी एक कहानी बताई तो एक मित्र ने उसे घड़ी लाकर दी और सभी ने उसकी सहायता की। फार्म भरने के लिए सभी ने उसको पैसे दिए, उसकी पुस्तकों के लिए पैसे दिए, तो सभी के लिए वह काम करने लगा। सभी उसके अच्छे मित्र हो गए। जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने शिल्पा से कहा कि दीदी जी, यदि आपको कि कुछ काम कराना हो मैं आपका काम कर दूंगा, पर मेरा नाम नहीं काटिएगा। तो शिल्पा को बहुत दया आ रही थी और उसने भी पढ़ाई में उसका बहुत साथ दिया। गोपी ने 12वीं की परीक्षा दी और वह कक्षा में से दूसरे स्थान पर आ गया। उसकी मेहनत रंग लाई। वही गोपी आज शिल्पा की आंखों के सामने साकार सा दिखाई दे रहा है कि वही गोपी जिसका आज विवाह होने वाला है। शिल्पा अपने मन ही मन बुदबुदा रही थी, गोपी मैं तुम्हारी शादी में अवश्य आऊंगी, मैं तुम्हारी शादी में अवश्य आऊंगी और गोपी तुम्हारी बहू को मैं आशीर्वाद अवश्य दूंगी, गोपी मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊंगी। तो ये गोपी की कहानी थी। गोपी ने पत्र दे करके अपनी गुरु शिक्षिका को बुलाया, जिसको दीदी जी कहा करते थे पहले, उनको बुलाया क्योंकि आज दीदी जी के कारण ही, अपने गुरु शिक्षिका के कारण ही गोपी आगे बढ़ गया और स्काउटिंग में वह शिक्षक बन गया। उसकी नौकरी लग गई और छोटे भाई वर्कशॉप में पेंच बनाने का काम करने लगा। दोनों भाई करने लगे जिससे उनकी माँ को भी संतुष्टि हुई और माँ का भी निधन हो गया। माँ का उनकी माँ को इतना दुख नहीं रहा क्योंकि उनके दोनों बेटे कमाने और खाने लगे थे। ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी बेटा, मुझे भी अच्छी कहानी लगी। आप सभी ध्यान से पढ़ा करो। देखो वो भी एक गरीब घर का लड़का था, पर वह अपनी मेहनत के कारण घर का भी काम करता था और स्कूल में भी उसने मेहनत की जिससे उसने कक्षा में दूसरा स्थान पाया। आपको भी पढ़ाई में मेहनत करना है। धन्यवाद।